हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धनतेरस की। माता लक्ष्मी आप पे बहुत बहुत कृपा करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन छिपकली कर दिखना कितना शुभ होता है, तो मैं आज वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं सिर्फ अपने इस वीडियो में आपको छिपकली के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको छिपकली टाटा जो नमक होता है उस पे और झाड़ू पे तीनों उपाय पे बताने वाली हूँ कि आज ही के दिन आप ऐसा क्या करें जिससे आपके घर में पूरे साल धन की बरकत के साथ नज़र दोष भी खत्म हो, साथ ही व्यापार भी अच्छा से चले। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि दिवाली में और धनतेरस में साफ़ सफाई के वक्त छिपकलियाँ जो होती है वो घर से बाहर चली जाती हैं, तो ऐसे में अगर आपके घर किसी भी तरह से या फिर दुकान पे छिपकली आपको दिख जाता है तो उसका क्या महत्व होता है और कैसे समझे कि शुभ है या अशुभ है। छिपकली अगर आपको किसी भी प्रकार से ज़मीन पर दिखती है, अगर ज़मीन पर चलते हुए दिखती है, तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसका सीधा सीधी मतलब होता है कि आपके घर में लक्ष्मी माँ खुद आने वाली है। और दूसरा, अगर आपको उत्तर दीवार पे ज़्यादातर समय बिताती हुई नजर आए तो ये भी बेहद शुभ माना जाता है। ये भी आप समझ सकते हैं कि धन का आगमन आपके जीवन में आने वाला है और पूरे साल आपकी धन की संपत्ति की कोई भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। छिपकली का दिखना जितना शुभ माना जाता है, अन्य दिनों में छिपकली को लोग घर से भगा देते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए धनतेरस के दिन कभी भी घर से छिपकली को नहीं भगाना चाहिए। वैसे तो आम तौर पर छिपकलियाँ धनतेरस और दिवाली में नज़र नहीं आती, लेकिन नज़र अगर आ जाए तो आप बहुत ही इसे शुभ मान सकते हैं। मैं आपको दूसरा उपाय बता देती हूँ जो कि है झाड़ू के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, जिस झाड़ू से करते हैं उस झाड़ू को आप धनतेरस के दिन साफ़ सफाई के बाद, संपूर्ण साफ़ सफाई अगर आपने कर लिया है, तो उस पुराने वाले जो झाड़ू है उसे हटा के एक नई झाड़ू ले आए। जी हाँ, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना कितना शुभ होता है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। अगर शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में अगर खरीद के इसे रखा जाए तो ये और भी बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है, धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है झाड़ू खरीदने के लिए। तो आज के दिन जो पुराने झाड़ू है उसे हटाकर नए झाड़ू को घर में स्थान दीजिए, या फिर कोई भी पोछा वाले सामान है या फिर साफ सफाई का जो कोई भी उपकरण है उसे आज के दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरा उपाय मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बता रही हूँ, इससे पहले एक और बात मैं आपको बोलूँगी कि दिवाली और जो भी धनतेरस आज का जो भी महत्वपूर्ण ये दिन है, इस दिन भी आपको माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा भी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है दिवाली के जैसा आप करते हो, दिवाली जैसा आज नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी मंदिर को खाली सूना नहीं छोड़ें, कम से कम दिया बत्ती अच्छे से लगा दें, भोग वोग भी लगा दें, तो इससे बहुत ही अच्छा होता है। चलिए तीसरा उपाय मैं आपको बता देती हूँ नमक के प्रयोग के बारे में। नमक के प्रयोग से कैसे पूरे साल नज़र दोष जो भी आपसे लोग जलते हैं या फिर नज़र लग गया है या फिर किसी भी प्रकार से हानि व्यापार को नज़र लग जाता है, आपको नज़र लग जाता है, बच्चे को नज़र लग जाता है, तो इस नमक से कैसे अपने घरों में आज के दिन धनतेरस वाले क्या उपाय करें जिससे आपको धन भी लाभ होने के साथ नज़र दोष भी खत्म हो। तो सबसे पहली बात कि नमक जो है आप कोई भी नमक ले सकते हैं, चाहे तो आप साबुत भी ले सकते हैं और चाहे तो लिक्विड जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको भी ले सकते हैं। आज के दिन अगर आप धनतेरस के दिन अगर आप नमक को कटोरी में भर के, यानी कांच की कटोरी में भर के, आपको कहीं भी घर पे भी साफ़ सफाई के बाद अगर आप रखते हैं नमक को, तो ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। कहने का मतलब है कि जो भी उसमें घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ये नमक उसमें सोख लेगा। उसके बाद दिवाली के बाद इस नमक को फेंक कर आप चाहे तो नए नमक को भी रख सकते हैं। याद रखिएगा, हर रूम में अलग अलग आपको कांच के कटोरा में अलग अलग नमक रखना है। जैसे अगर आपने टॉयलेट में रखा है तो उसका जो नमक है तो उसे कभी भी उस कटोरे से घर में नहीं रखें, ठीक। और बेडरूम में रखना है आपको, किचन में भी आप रख सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होगा। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि नमक के मैंने आपको कैसे बताया है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी भी पोछा लगाए या फिर आज के दिन या फिर धनतेरस से लेकर दिवाली तक, तो कोशिश करें अगर आप घर की में पोछा लगा रहे हैं तो नमक डालकर ही पोछा लगाएं। इससे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, साथ ही व्यापार चमकने के साथ नज़र दोष भी खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया।